ओम शांति। मनुष्य अपने सारे दिन की बातचीत में प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकों बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहने वाला सत्ता का स्वरूप क्या है। अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली है, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढने में लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्य को नहीं जानता, मतलब वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज के इस वीडियो में मैं कहने वाला कौन है इस सत्यता के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि देह अभिमान क्या है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर अपने को इस 5 तत्वों से बना शरीर समझने लगता है तो इसे कहते हैं देह अभिमान। देह का भान ही सभी विकार और दुख का कारण है। देह के भान वाली आत्मा अपने को निर्बल महसूस करती है, क्योंकि देह की शक्ति सीमित होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को आत्म अभिमानी बनाओ, अपने आप को और दूसरों को आत्मा समझो। इसलिए मैं शब्द आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। मैं एक आत्मा हूँ और यह शरीर एक रथ के समान है। जिस प्रकार रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा कहता है मैं यदि इस शरीर से निकल जाऊं तो इस संसार में इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार ड्राइवर के बिना कार, बाइक और पायलट के बिना विमान बेकार है, ठीक उसी प्रकार मुझ आत्मा के बिना यह शरीर भी इस नश्वर संसार में बेकार है। इस शरीर को चलाने वाला मैं आत्मा हूँ। जब तक मैं मनुष्य के शरीर में निवास कर रहा हूँ तब तक मनुष्य सुख दुख को महसूस करता है। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाता हूँ तो मनुष्य का यह शरीर ना सुख और ना दुख का अनुभव करता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने इस शरीर पर अभिमान ना कर, क्योंकि तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा जिस दिन मैं इस शरीर से निकल जाऊं। ओम शांति।